सीजीआई चंद्रचूड़ का देश के लोगों को तोहफा, दे दिया बड़ा गिफ्ट। हर तरफ हो रही वाहवाही। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ लफ्जों में कई बार कहा है, मेरा लक्ष्य देश के लोगों को न्याय दिलाना है, उनकी मदद करना है, हमारे लिए कोई भी मामला छोटा बड़ा नहीं होता। अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने देश के लोगों को एक शानदार तोहफा दिया, एक ऐसा तोहफा जिससे देश के लोगों को न्याय मिलने में हो जाएगी आसानी। टेक्नोलॉजी प्रिय है सीजीआई चंद्रचूड़। सीजीआई बनते ही चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट को बना दिया हाईटेक। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को चालू रखने के लिए जिन टेक्नोलॉजियों को अपनाया सीजीआई चंद्रचूड़ ने, उन टेक्नोलॉजियों को कोविड के बाद भी अपनाए रखा। यही नहीं, सीजीआई ने अन टेक्नोलॉजी को अपना कर सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का काम किया। खुद टेक्नोलॉजी सीखी, कोर्ट के अन जस्टिस और कर्मियों को भी सिखाया। कई रिटायर्ड जस्टिस ने तो सीजीआई चंद्रचूड़ को अपना गुरु तक बताया। अब एक बार फिर चीफ जस्टिस ने ऐसा कदम उठाया कि उनके चारों तरफ चर्चा हो रही है। सीजीआई के इस कदम ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का काम और भी आसान कर दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, चीफ जस्टिस ने क्या कदम उठाया, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या है मामला, जुडिशियल प्रोसेस को आसान बनाने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई व्यवस्था की है। सीजीआई के इस पहल की मदद से कोर्ट से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा सकेगा। हालांकि ये सुविधा केवल अधिवक्ताओं यानी वकीलों के लिए होगी। कोर्ट में कागजों के इस्तेमाल को बेहद सीमित या खत्म करने यानी पेपरलेस करने की मुहिम में इससे बहुत मदद मिलेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस व्हाट्सएप नंबर से अब वकीलों को व्हाट्सएप के जरिए सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग, लिस्टिंग, कॉज लिस्ट यानी सुनवाई के लिए तय मुकदमों का क्रम वाली सूची आदि की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। चीफ जस्टिस ने जारी किया नंबर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी अगुवाई में 9 जजों की संविधान पीठ में सुनवाई शुरू होने से पहले गुरुवार को यह घोषणा की। इसके लिए तय व्हाट्सएप का नंबर 8767687676 है। इसी कड़ी में सीजीआई बुधवार को घोषणा करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अब जानकारी शेयर करेगा। इस पहल की मदद से कोर्ट से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा सकेगा। सीजीआई ने कहा, परिवर्तन, सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में यह भी एक छोटा कदम है, लेकिन इसका बड़ा असर होगा। इसके अलावा कोर्ट में कागजों के इस्तेमाल को बेहद सीमित या खत्म करने यानी पेपरलेस करने की मुहिम में इससे बहुत मदद मिलेगी। केवल अधिवक्ताओं के लिए है व्हाट्सएप सुविधा। हालांकि ये सुविधा केवल अधिवक्ताओं यानी वकीलों के लिए होगी। इससे समय पर उन्हें केस अपडेट मिल सकेगी। व्हाट्सएप मैसेज से मिली जानकारी, सीजीआई ने घोषणा की कि जब उनकी अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच एक केस पर सुनवाई कर रही थी, ये मामला अनुच्छेद 39(b) जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का जिक्र है से जुड़ा था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 75वें साल में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेज को सुप्रीम कोर्ट की आईटी सेवाओं के साथ जोड़कर न्याय तक को पहुँच को मजबूत करने की पहल शुरू की है। इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए AOR पार्टी या पिटिशनर इस पर्सन के मुकदमे की सुनवाई से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य स्टेक होल्डर यानी भागीदारों को भी इन व्हाट्सएप नंबर के जरिए फाइलिंग की जानकारी, कॉज लिस्ट और फैसलों की जानकारी मिल सकेगी। हम आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।